अवकाळी पावसाचा झटका आंब्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसलाय. यंदाच्या वर्षी फळ मार्केटमध्ये बँगलोर आणि मद्रासहून देखील आंब्यांची मागणी करण्यात आली आहे. हे आंबे देखील अगदी हापूस आंब्यांसारखेच दिसतात, त्यामुळे हापूस आंब्यांमध्ये या आंब्यांना मिक्स करून यांची विक्री करण्यात येत आहे आणि त्यामुळे फळ मार्केटचे व्यापारी आंब्यांच्या दरावर कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाहीयेत. दरम्यान आमच्या प्रतिनिधींनी आंब्यांच्या व्यापाराशी बातचीत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिलाय. मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई फल मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर फलों के राजा आम की अगर बात की जाए तो आम का आगमन काफी ज्यादा संख्या में हो चुका है. लेकिन अगर बात की जाए आम आदमी की, तो आम आदमी से अभी भी आम काफी दूर है. जी हाँ, इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो 1800 से लेकर 2200 रुपए तक आम की पेटियां बिक रही है, जिसमें से 4 दर्जन से लेकर 6 दर्जन तक आम मौजूद है. वहीं दूसरी बात अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में देवगढ़ और रत्नागिरी के आम आते हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इन दिनों मद्रास के भी आम आ रहा है और बेंगलोर से भी आम आ रहे हैं. बेंगलोर और मद्रास के आम की बात की जाए तो जो टेस्ट रत्नागिरी और देवगढ़ में होना चाहिए वो फिलहाल नहीं है. लेकिन कीमतों की अगर बात की जाए तो कीमतें दोनों की एक जैसी है, जो आम आदमी को काफ़ी उलझन में डालती है. और वो आम आदमी इस कसमकस में रहता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली, इसका वो फर्क नहीं कर पाता. और इसी वजह से कभी कभी वो देवगढ़ और रत्नागिरी के बजाय वो मद्रास या बेंगलोर के अल्फांसो आम खरीद कर घर में चला जाता है.